नमस्ते दोस्तों, एक और इंटरव्यू के साथ आ गई हूँ मैं, इंटरव्यू वाली। और मेरे साथ हैं आज राधे श्याम दीक्षित जी, जो कि हैं प्रमोटर अनंदा के। इनको कौन नहीं जानता। और आज बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जन्माष्टमी में। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एंड वेलकम टू माई इंटरव्यू सर। नमस्कार। मैं आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कितना हमें समझाया कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कोविड के टाइम में लोगों को अब समझ में आ रहा है कि जैसा खान पान होता है वैसी आपकी बुद्धि होती है, वैसे आपके विचार होते हैं। तो बैक टू बेसिक समझ जाने की ज़रूरत है। और आज डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट सब लोग बोलते हैं कि भाई ये डूज डू नॉट्स हैं, ये खाने से ये होगा, ये खाने से नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने तो बहुत साल पहले हमें बताया था। और विशेष तौर पर इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हमारा डेयरी प्रोडक्ट है, तो मैं आनंदा को प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट वी आर लक्की एनफ कि हमें आनंदा ब्रांड में हम इतना बढ़िया प्रोडक्ट हम बनाते हैं कि अगर दही है आपकी ब्रेकफास्ट में डाइट है, आपकी लंच में अगर डाइट में आपके पास दही है, दही में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है नेचुरल। आप सोचो कि डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको एक टेबलेट खानी है, एंटीबायोटिक लेनी है, व्हाट इज एंटीबायोटिक? आपको प्रोबायोटिक अगर दही आप ले लो तो आपको एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका गट हेल्थी रहेगा, आपका गट आपको रोजाना, आपका पेट आपको धन्यवाद बोलेगा। आप ये आपने बहुत सही बात बोली कि साक्षात भगवान ने हमें हेल्दी रहने के रहस्य हमें सिखाए हैं, बताए थे। बताए हैं। और आप तो उसमें, आपका तो बिजनेस ही उसी में है। तो दोस्तों, आज स्पेशल डे क्यों है? क्योंकि आनंदा ने आज दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं मार्केट में। एक तो है केसर पेड़ा और दूसरा है पंचामृत, जो कि आज से मार्केट में अवेलेबल है। तो इनके बारे में कुछ बताइए। जो आज जन्माष्टमी पर दोनों प्रोडक्ट आनंदा ने लॉन्च किए हैं, पंचामृत एक ऐसा प्रोडक्ट है, हमें बचपन से सिखाया जाता था कि जब भी भगवान को भोग लगाना है तो उनको पहले जो हम चढ़ाते हैं, उनके चरण को धोते हैं, तो चरणामृत का जो निकला और जो प्रसाद आपने चढ़ाया, दोनों को जब मिलाते वो पंचामृत बनता था। और इस पंचामृत में आपके प्योर हर्ब्स डलते हैं, जैसे केसर डलेगा, इलायची डलेगी, आपको हनी डलेगा, दूध डलेगा, गौमूत्र डलेगा, उस तरीके से प्रॉपर ये प्रोडक्ट, और दही भी डलता है, तो ये प्रोडक्ट तैयार होता है। हमने क्या किया है कि इसको डेयरी डेयरी का एक कॉमर्शलाइज प्रोडक्ट बनाने पर काम किया, टाइम लगा हमारे को। और इस प्रोडक्ट को मैं कहता हूँ कि हमने ये रिटॉर्ड, एक टेक्नोलॉजी है, इसको रिटॉर्ड किया बॉटल में पैक करने के बाद। 121 डिग्री टेम्परेचर पर ये 12 मिनट रहता है और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी फ्लेवर, ये प्रोडक्ट 90 डेज की सेल्फ लाइफ आपके पास रहता है। ओके। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको अगर किसी भी एज का व्यक्ति लेता है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है, क्योंकि ये हमारे वेद पुराणों से निकला हुआ प्रोडक्ट का ओरिजिन है। और ये केसर पेड़ा के बारे में कुछ बताइए। कह रहे थे कि ये जो बिल्कुल ओरिजिनल केसर है, पर मैंने जब इसकी प्राइस सुनी तो मुझे लगा कि ओरिजिनल केसर कैसे हो सकता है, मेरे माइंड में डाउट तो था, पर आप ही वो क्लियर कर दीजिए कि केसर जो है वो ओरिजिनल और पेड़े का, इसमें बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, एडेड कलर नहीं है, एडेड फ्लेवर नहीं है। सो गाइस, कैसे करते हैं आप, मतलब कैसे किया आपने? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आनंदा का विजन क्या है, कि आनंदा सोचता है कि हमेशा हम अपने कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट कैसे दे सकें, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। तो हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट विद अफोर्डेबल प्राइस, यही हमारा मोटो रहता है। और ये जो केसर पेड़ा है, इसको बनाने में हमने बहुत समय लिया, बट इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई फ्लेवर नहीं, कोई कलर नहीं, और इसमें रियल केसर, रियल मिल्क और बहुत थोड़ा शुगर डाला है। और ये प्रोडक्ट हमने कॉन्सेप्ट जो सोचा है कि जो हमारे देश के जितने मंदिर हैं, उन मंदिर में देखो आज प्रसाद, अगर आपको भगवान का डर ना लगे तो आप प्रसाद को खाएंगे नहीं, इस तरीके का प्रसाद है। आप एक मंदिर है हमारे देश में तिरुपति बालाजी, उसका प्रसाद देखें आप सोच, आप देखते हैं कितना हाइजीनिकली बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को, आपको आपको खा करके आनंद आता है। लेकिन बाकी जगहों पर प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, तो हम सोचते हैं कि आनंदा इस काम की जिम्मेदारी क्यों ना ले, एक एक मंदिर के प्रसाद पर जाकर के घुसें और
देश को भी अच्छा लगेगा और कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। गाइस फर्स्ट ऑन माय चैनल राधे जी ने आज अनाउंसमेंट करी है कि वो जितने भी मंदिर हैं हिंदुस्तान के वहाँ की जो शॉप्स होती हैं उनके साथ जो फूलों की दुकान होती है वहाँ पर अपना ये केसर पेड़ा को एक एज प्रसाद भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो अभी इसमें मार्केटिंग वगैरह का क्या प्लान है आपका, ये जो केसर पेड़ा और पंचामृत है कहाँ पे, कौन से स्टेट्स में और मेजर मार्केट कौन सी है? सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया में ही आज प्लेस हैं, तो नॉर्थ इंडिया को हम ले रहे हैं, वहाँ हम सबसे पहले इसकी प्लेसमेंट को कर रहे हैं। ये फेस वाइज होगा, एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक सिटी वाइज, एक एक स्टेट वाइज, और आपको आने वाले ये सिर्फ 4 महीने के अंदर 31 दिसंबर तक आपको ये पूरे नॉर्थ इंडिया में प्लेस मिलेगा। ओके, एंड इसमें किस तरह की आप डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में खैर देसी मिठाइयों को जो है लोग प्रेफर करते हैं कि वो फ्रेश खाएं, तो डब्बे में और पंचामृत को एक डब्बे में आप उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से लोगों को क्लियर कर सकते हैं उनके माइंड में कि दे शुड प्रेफर योर ब्रांड? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रेश का जो मिथ है कि अगर जैसे मैं पनीर से एग्जांपल देता हूँ कि दुकानदार के पास पनीर रखा हुआ है, खुला है, मक्खियाँ लग रही हैं, एक पानी में रखा हुआ है, अनहाइजेनिकली बर्फ डाली हुई है, और जो क्वालिफाइड व्यक्ति है वो सोचता है ये फ्रेश है। तो आपको पहले, आप वेल एजुकेटेड लोग हैं, आपको ये समझना चाहिए कि फ्रेश की वो डेफिनेशन नहीं है। फ्रेश की डेफिनेशन है आपको अनटच बाई हैंड्स ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया हो, जो ब्रांड है, कंपनी है, उसकी इंटेंशन अच्छी हो, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ना हो, और अगर हाइजीनिकली सब कुछ किया तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसको पैक करोगे तो सेल्फ लाइफ नेचुरली आती है। जैसे अगर मैं केसर पेड़ा की बात करूं, इसको एटमॉस्फेयर में मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो होता है उसमें इसको पैक किया जाता है। क्या करते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी को मैं बोलने की कोशिश करता हूं कि सबसे ज्यादा जो कंटेमिनेशन का कारण वो क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है, तो जब हम पैक करते हैं तो ऑक्सीजन को सक कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ब्लेंड करके इसमें इन्फ्यूज करते हैं। जब आप पैकेट खोलते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन वापस आ जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं MAP, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर, ये पैकेजिंग होता है, इसकी इससे सेल्फ लाइफ इसकी आती है। ओके, तो गाइस बेसिकली राधे जी ये कहना चाहते हैं कि जो खुले प्रोडक्ट्स हम लोग जो स्पेशली पनीर, मिल्क तो हम पैकेटेड ही शायद हम प्रेफर करते हैं, या फिर गाय भैंस का भी मतलब लोग अपने घरों में लगाते हैं उनका दूध, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इट्स मच हेल्दियर देन द वंस दैट आर लाइक यूजुअली यू नो इन ओपन वी बाय, स्पेशली पनीर। सो थैंक यू राधे जी मेरे साथ शेयर करने के लिए। और कुछ भी आप मेरे दर्शकों को अगर बताना चाहें आने वाले दिनों में हम क्या क्या देख सकते हैं आनंदा हाउस की प्रस्तुति और क्या क्या आप प्लान कर रहे हैं इस साल में, अब तो ठीक खैर 3 महीने रह गए हैं, अगले साल हम क्या क्या देख सकते हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? हम लोगों के प्लान्स बहुत बड़े हैं। सबसे पहले तो जो मेरा सपना है कि 140 करोड़ जनसंख्या को उसकी हेल्थ बनाने के लिए, प्लस गांव के किसान को इकोनॉमिकल वायबिलिटी लाने के लिए आनंदा का कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं आनंदा की फैक्ट्री, जहां फुल्ली ऑटोमेटिक अनटच बाय हैंड्स जो पनीर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इंडिया का ये पहला प्लांट है, इसको मैं चाहता हूं कि आप पर्सनली खुद आके विजिट करें, आप शूट करें और आप देखें कि ये काम कैसे हो रहा है और पनीर आनंदा का प्रीमियम बनता कैसे है, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बनता है वो आप देखें, आगे चर्चा फिर वहां करेंगे। हाँ, ये उन्होंने मुझे इनफैक्ट रिकॉर्डिंग से पहले भी एक बात बताई थी कि इट इज़ इंडियाज फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पर इन्होंने इम्पोर्ट किया है जर्मनी से, और वो मशीन जो पनीर बनाती है दैट इज टोटली विदाउट टच ऑफ ह्यूमन हैंड, तो दैट इज फर्स्ट इन इंडिया। सो देखते हैं इफ दैट क्लेम इज राइट, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई हैव टाइम आई डेफिनेटली विजिट सर। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू माय व्यूअर्स ऑन माय वीडियो एक्सक्लूसिवली एंड फॉर दिस एक्सक्लूसिव न्यूज एंड इंटरव्यू अबाउट योर प्रोडक्ट्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो और शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सर। मेरे फॉलोअर्स के लिए भी एक शाउट आउट बोल दीजिए कि प्लीज मेरे वीडियो को और प्रमोट करें जी। प्रीति ने जो बोला है
वो तथास्तु। धन्यवाद, थैंक यू, बाय गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर।